सो गाइस अभी कुछ ही दिनों पहले मैं इंडियाज गॉट टैलेंट में गया था और वहां पर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। सो गाइस वो एक्सपेरिमेंट्स आप में से काफी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए, तो हो सकता है कि आप में से काफी लोग पहले से ही उसके बारे में जानते हो, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उस एक्सपेरिमेंट को मैंने कैसे किया या फिर उसे किस तरीके से किया जाता है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो जो पहला वाला एक्सपेरिमेंट था उसे कहा जाता है दी एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट। और गाइस उसे करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% और पोटेशियम आयोडाइड। इसके साथ में कुछ शैम्पू या फिर आप इसकी जगह पे किसी डिश वॉश या फिर डिश बार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर हमारे पास है थोड़ा सा पानी और इस बीकर के अंदर हमने पहले से डाल रखा है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% को। सो गाइस पोटेशियम आयोडाइड एक कैटलिस्ट होता है, इसकी जगह पर हम सोडियम आयोडाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गाइस ये जो चीज है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ये आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए तो ये उसे जला भी सकती है। गाइस अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल तो हम घर पर भी करते हैं, लेकिन गाइस जिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल आप घर पर करते हैं वो सिर्फ 3% कॉन्सेंट्रेटेड होती है, लेकिन गाइस ये 30% कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सो गाइस इसका नाम है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है H2O2 ये बिल्कुल पानी से मिलता जुलता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। सो गाइस ये भी एक तरीके से पानी ही होता है, लेकिन बस इसके अंदर ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं, इसीलिए ये काफी खतरनाक भी हो जाता है। और गाइस जब हम इसके अंदर इस कैटलिस्ट को मिलाते हैं तो ये इसको डिकम्पोज करता है यानी कि इसको अलग अलग चीजों में तोड़ देता है और इसके अंदर से बहुत तेजी से ऑक्सीजन निकलती है। और गाइस उसी ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए हम शैम्पू या फिर किसी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं और वो ऑक्सीजन फिर झाग के रूप में बाहर निकलती है। सो गाइस ये इसका बेसिक सा सिंपल सा काफी सिंपल सा प्रिंसिपल था, तो चलिए इस चीज को करके देखते हैं। सो गाइस हमने इसके अंदर पहले से डाल रखी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अब हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड पानी के अंदर डालेंगे। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइट गाइस, तो ये मिक्स हो चुका है। अब हमें सिंपली इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिलाना है। देखिए राइट, और अब हम इस बीकर को भी अच्छे से हिला लेंगे जिससे कि हमारा जो शैम्पू है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या धमाल होता है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इसे इसमें मिक्स करते हैं और मैं जितना जल्दी हो सके यहां से पीछे हटने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है। ऑलराइट, सो ऑन 3, 2, 1। Oh guys, look how cool is that? Awesome. अगर आपको कपड़े धोने हो तो ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। एक ही बारी के अंदर बहुत सारे जाग आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो गाइस इंडियाज गॉट टैलेंट के अंदर मैंने 7 बीकर का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक बीकर का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर कितने सारे जाग बना दिए। सो गाइस अब ये जो जाग हैं ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से भरे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है यानी कि इसके अंदर से इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से स्टीम निकल रही है यानी कि भाप। सो गाइस कुछ इसी तरीके से हमने किया था इंडियाज गॉट टैलेंट पर। गाइस दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो था नाइट्रोजन क्लाउड एक्सपेरिमेंट। सो गाइस उसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।